ओ हाँ, देखो और अब दूसरी साइड, बस थोड़ा सा और। वहाँ क्या चल रहा है? ये क्या गड़बड़ है? खैर, हेलो, इतनी जल्दी नहीं, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? ये रहा, फोन नहीं लेकर जा सकते, याद है ना? ठीक है, शुक्रिया। और अब बाल ठीक करने होंगे, कितनी बुरी है, लेकिन बिल्कुल, मैं भी आती हूँ। फोन छुपाना चाहते हो तो प्लेडो इस्तेमाल करें, ब्रश की साइड पर इसका एक बॉल बनाकर लगाएं और पूरे बॉर्डर पर लगा दें। हमें इसके पूरे कोने को कवर करना है। अभी बस ब्रश के पीछे का हिस्सा लग रहा है ना? ये हैंडल भी अच्छा है, मैं सुंदर और समझदार दोनों हूँ। काफी बेहतर है ना? मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? ओह, ये शीशा काफी बढ़िया दिखता है। मैंने ये कैसे मिस कर दिया? ये लो, तुम रख सकती हो। हाँ, अब अंदर जाओ। बच गई। अच्छा है, वार्म अप करना नहीं भूलना। ओह नहीं, इन शॉर्ट्स में पॉकेट्स नहीं है। ओह यार, क्या ये और टिकेगा? ओह बच गया, मेरे सॉक्स में क्या काम करना चाहिए है ना? लेकिन मैं भागूंगा कैसे? चलो भी सोचो, मेरा वेस्ट बैंड इसे पकड़ेगा। ओ फोन, ओह ये तो बुरा हुआ, बस स्क्रीन पर क्रैक ना आया हो। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मेरे पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। हे सोफिया का फोन देखो, उसने इसे स्लीव में कैसे रखा हुआ है? मैं भी ट्राई करूंगा। फोन को केस से निकालें और इसे स्लीव में डालें और अब ऊपर से फोन लगा दें। बढ़िया। हे रुको, कैसा चल रहा है? देखो मेरे पास क्या है। अरे नहीं, तुम्हें कहाँ से मिला? बस आज सुबह ही। ये पर्पल है। वाह, मुझे जलन हो रही है, काश मेरे पास भी नया फोन होता। पर रुको, मुझे नया फोन नहीं चाहिए, मेरे पास इतना सुंदर केस है। वैसे केसेस मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, मुझे कुछ काम है। खैर, मेरे पास और भी है। मुझे नया कलर बहुत अच्छा लगा। खैर, ये कलर्ड केसेस देखो। हाँ, ये कूल है, पर मेरे पर्पल फोन से ज्यादा नहीं। क्या? खैर, अब मेरे पास एक ही चारा है। तुम क्या बोल रहे हो? अब देखो मेरे सारे केसेस। वो, ये तो बहुत सारे हैं। हाँ देखो, केसेस भी बहुत सुंदर होते हैं। वाह, मुझे अच्छा तो लगा। खैर, अब मुझे अपना फोन इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। ओह, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक स्टॉल लेकर हम उसे फ्लैट आयरन से कोने से बंद कर देंगे। हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट है, सिरिंज में कलर्ड लिक्विड लेकर इस स्ट्रॉ को भरेंगे। परफेक्ट, बिल्कुल इसी तरह थोड़ी और स्पेस लेकर अब हम इस एंड को भी बंद कर देंगे। अब मुझे बस एक क्लियर फोन केस चाहिए, हम इसे ग्लू स्टिक से कवर कर देंगे। बढ़िया, अब हम स्ट्रॉस चिपका देंगे, बहुत से अलग अलग रंग के, और ये सब केस परफेक्ट हो गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा नया केस देखो, इसमें बबल्स लगे हैं। वो, मैंने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं देखा।
मैं और मेरा कलरफुल फोन केस तुमसे बाद में मिलेंगे। हो यार, अब मुझे दोबारा जलन हो रही है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। दादी के साथ अच्छे से रहना, समझी? और तुम इस पर नजर रखना, डिनर पर मिलते हैं। टूडल्स। मैं बोर हो गई। डैडी, आप मेरे साथ खेलोगे? मैं इसका क्या करूं? इतना भारी था। मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ? वो मॉम की ड्रेसेस तो देखो, ये वाली मेरी फेवरेट है। अरे वाह, ये देखो मॉम का सारा सामान। हे भगवान, ये तो खजाना है। क्या ये मुझे फिट आएगा? कूल। आखिरकार सब हो गया। एवा, ये तुम क्या कर रही हो? आपको अच्छा लगा? ये सारा सामान मॉम का है। याद रखना, मेरे सामान को हाथ नहीं लगना चाहिए। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं एवा को उसके लिए जूस दे देता हूँ और ये उसे फिट भी आएंगे। रिंग बनाने के लिए एक क्राउन के शेप बनाएंगे। और बाकी की शेप्स भी बनाएंगे। कितना बढ़िया स्टार है। आप अलग अलग रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे हार्ट्स बहुत पसंद आएंगे। इसमें तो रेड कलर ही होना चाहिए। बस हो ही गया। कितना सुंदर है ना? बीच में एक डॉट और इसके साथ रिंग अटैच हो जाएगी। देखो कितनी सारी है। और ये सब तुम्हारी है। कितनी खूबसूरत है ना? थैंक यू डैडी। और अब ये पहन लो। ये हुई ना बात। ठीक है, लगता है ये लेवल में पार कर ही लूंगा। तो चलो, बस फाइनल ट्रेजर रन है। मैं कर सकता हूँ। ये क्या कर रहा है? काफी एक्साइटेड लगता है। मैं ये डंजन जीतने ही वाला हूँ। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, नहीं, अभी मैं खेल रहा हूँ। प्लीज। मैंने कहा ना नहीं, मैं खेल रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने मना किया ना। हाँ तो ठीक है, इतने मतलब ही भी मत बनो। मेरी ड्रिंक भी खत्म हो गई। बढ़िया। सुनो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरी गेम को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरी गेम को हाथ मत लगाना। बेवकूफ कहीं का। तो वो चला गया है, यही मौका है। उसे ये ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो इस गेम में अपने आप को माहिर समझता है। मैं उसे दिखाती हूँ मैं कितना बढ़िया खेल रही हूँ। वो तो इसके आस पास भी नहीं है। ये लो। और ये कैसा लगा? ओ नहीं, मैंने मग गिरा दिया। वो गिर गया। नहीं, ये तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? अब उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी गेम खेल रही थी। एक सेकंड रुको, मैं समझ गई। जी हाँ, तुम मेरे साथ आ रहे हो। अब मैं अपना 3D पेन इस्तेमाल करूंगी। इससे सारी परेशानी हल हो जाएगी। बस इसके कोने को तेज करना है। हाँ हाँ, अभी तक तो ठीक लग रहा है। ऐसा ही करते रहना होगा। अब इसे ऊपर की तरफ से लगाएंगे और लाइंस बनाते जाएंगे। जैसे इसे स्ट्रिप कर कर बंद करना हो या एक पैच बनाना ही समझ ले। इसपे बहुत सारी लाइंस चाहिए होंगी और जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो। बस काफी सारी बेस लाइंस होनी चाहिए। हाँ, और ये देखो, लगता है मैंने उसे ठीक कर दिया। मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती थी। ओ नहीं, वो वापस आ रहा है। मुझे अपनी जगह पर जाना होगा। जल्दी करो, चेक पर वापस चलो। मैंने कर दिखाया। कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। खैर छोड़ो, जो भी हो। चलो मैं अपना मग वापस फिल कर लेता हूँ। इस लेवल को जीतने के लिए मुझे हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। बढ़िया है, उसने देखा तो नहीं ये मेरे मग पर क्या है। खैर ये इसका क्या ही कर लेगी। छोड़ो, मैं अपनी गेम खेल। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पेपर से अपनी नजरें हटाओ। पर अब मैं क्या करूंगी? चलो देखते हैं, मुझे किसे बुलाना चाहिए। किताब के पीछे छिपना बंद करो और इधर आओ। क्या?
अरे नहीं, मुझे जाना था। जी हाँ, मैंने केमिकल को बोर्ड पर लिख दिया है, तुम्हें इसे बनाना होगा। इससे शुरू कर सकती हो। चलो भी, ये लैब है, काम शुरू करो। ओ, मुझे कॉल आ रही है, तुम करती रहो, मैं रिजल्ट्स देखना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये करने के लिए क्यों कहा? हे, वो वाला भी कर लो। क्या? नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। तुमने ये रेड वाला कहा? तुम किसी काम की नहीं हो। वो वाला। रुको, ये वाला। बढ़िया, ठीक है, समझ गई, ये सही रहेगा। अब ये पता चल रहा है। ये क्या था? एक्सप्लोजन? वो तो फंस गए। क्या? ओह नहीं, मैंने उनके डेस्क में होल कर दिया। वो ये जरूर देखेंगे, मैं बहुत बुरी फंसने वाली हूँ। तुम बहुत बुरी हो। अब मैं क्या करूँ, मुझे स्कूल से निकलना नहीं है। रुको, मेरा 3D पेन, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। शुक्र है मेरे पास मैचिंग कलर है। पूरे होल पर मैं लंबी लंबी स्ट्रिंग्स बनाऊंगी। और अब हम उल्टा करेंगे। टीचर के आने से पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। हो सकता है कि वो इस पर ध्यान ही न दे। बस हो ही गया, बस कुछ लाइंस बाकी हैं। हाँ, हो गया, मैंने इसे पूरा कवर कर दिया। और अब मैं यहाँ बीकर रख दूंगी। अब ये काम करना चाहिए। ओह, तो तुम यही हो। खैर, अच्छा किया, जाओ बैठो। हाँ, सिल्वरवेयर बिल्कुल ठीक है। लंच शुरू करते हैं। हे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जो मर्जी करो। मुझे फ्राइज बहुत पसंद है, ये मेरे फेवरेट है। ये क्या? मैं इंस्टा के लिए फोटोज ले लेती हूँ। वो बहुत अच्छी, मुझे भी लेनी चाहिए। ओह हाँ, मेरा फोन बहुत पुराना है, मैं अपना खाना ही खा लेती हूँ, फोटोग्राफी कौन करेगा। ये वाला एंगल चाहिए। ये नहीं हो पा रहा, ये कोई काम का नहीं है। हे, तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ला दो अपना फोन। बस स्क्रीन पर ग्रीस ना लग जाए। मुझसे फोन गिर गया। नहीं, मैंने पकड़ लिया। हे भगवान, बहुत मुश्किल से बचा, फिर उसने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये तो स्पाइडर है। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक फोन चाहिए, एक 3D पेन और एक मार्कर। मैं 3D पेन से मार्कर के ऊपर लूप बनाऊंगी और फिर इसे निकाल लूंगी। बढ़िया, और अब दोबारा 3D पेन लेते हैं, इस कोने पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और अब और ड्रॉ करते हैं, एक स्पाइडर वेब की तरह लूप्स को वर्टिकल रखते हुए। बहुत बढ़िया, अब डेकोरेशन के लिए और लाइन। ये बहुत बढ़िया स्पाइडर वेब लग रहा है। हो गया, मैं भी स्पाइडर्स की तरह शानदार हूँ। ओह, कोनों पर भी करते हैं। अब थोड़ा ग्लिटर, स्पार्कल कभी बुरी नहीं लगती। हो गया, लूप्स रिंग की तरह काम करते हैं। अब मुझे दोबारा फोन गिरने का डर नहीं होगा। ओह, क्या बढ़िया तस्वीरें हैं। हाँ, अब मेरा फोन वापस दे दो। तुमने इस पर क्या कर दिया? हाँ, मुझे पसंद आया। शुक्रिया, तुम अच्छी हो। You're welcome. ये लंच कितना मजेदार था। ओह, बहुत अच्छी नींद आई। नहीं, ये भूख तो नहीं है ना? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? Hey, ये सब तो और बुरा हो रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ कुछ है, मुझे स्नैक मिला। Hey, इस बर्ड ने मुझे तंग किया, मुझे बदला लेना होगा। ये रहे हॉट विंग्स, तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। हाँ चलो, ये साथ में करें। ओह, गोल्ड ब्रेड,
ये आसान है, पर अपनी इमेजिनेशन के साथ मैं कुछ बना सकती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? टोस्ट? नहीं, मुझे तो टोस्ट बनाना भी नहीं आता। मेरी तरफ मत देखो। ठीक है, ओह मेरे पास एक आइडिया है, शायद ये काम आए। एल्यूमिनियम फॉइल पर ब्रेड को रखें, अब चीज लगाएं और एक ब्रेड का स्लाइस। फॉइल को फोल्ड कर दें। हाँ और क्या? ओह हाँ, मैं बस अभी आती हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो कहाँ है? आहा! बड़ा मत मानना, मैं बस आयरन ले रही हूँ। बढ़िया सॉसेज है। मैं जानता था मेरे पास केचप है। ये क्या? मेरा सॉसेज। हे, उठो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, मैंने सॉसेज नहीं चुराई। तो मैं इसके साथ क्या करूं? तुम लॉन्ड्री कर रही हो? मैंने ये क्यों नहीं सोचा, मेरी ज्वेलरी। जी बिल्कुल मैम, मुझे और वर्कआउट करना चाहिए। फेव, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छे दिखेंगे। मैं इन चेन्स को ब्रेड पर डाल देती हूँ। कुकिंग मजेदार है। कूल जितना भी हो कम ही लगता है। तो तुम ऐसे कुकिंग करती हो? ये फाइनल स्लाइस। बढ़िया है। ओह मेरा सैंडविच, अब ये जल जाता। खुशबू बहुत अच्छी है। बहुत बेसिक लगता है। ओ नहीं, मैं इसे उठा नहीं पा रही, ये बहुत भारी है। ठीक है लेडीज, अपनी डिशेस पेश करो। ओह वाह, ए प्लस आखिरकार। और यहाँ पर क्या है? ये तो खाने लायक नहीं है। फेल, तुम्हें स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता। ओह नहीं, ये फिर से फोन्स चेक कर रहे हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। मैं अंदर कैसे जाऊं? ये लड़का किसी काम का नहीं है। इसमें तो अलग ही दुनिया है। ओह हाँ, समझ गई। कोशिश करती हूँ। क्रिस, तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये मुझे दे दोगे? बिल्कुल नहीं। हाँ प्लीज। हाँ, पर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। ईव, पर ठीक है। ये बहुत जूसी है। ये लो, इसे किस करो। कितनी सॉफ्ट है। लाजवाब। अब ये फिशबोल तुम्हारा है। चलो गेम शुरू करेंगे। शुक्र है लंच में मुझे भूख नहीं लगी थी। इसे अच्छे से टाइट रखें और ये पूरा ढका गया है ना, देखें। और अब ब्रांड बना लें। हाँ हाय देयर। ओह मुझे फिश बहुत पसंद है। जाओ एनी, अब डुबकी मारते हैं। माफ करना छोटे दोस्त, बिल्कुल सूखा है, प्लास्टिक अच्छा था। काम पर कड़ी मेहनत करती है और उसे कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। बहुत जल्दी ही बोल दिया था। मैंने वो कहाँ रखा? वो यही कहीं होना चाहिए था, है ना? चलो भी, अब ऐसे गुम मत हो जाओ। कॉर्ड के साथ साथ चलते हैं। ये कितनी लंबी है? मेरी बाजू थक गई। ये मेरा फोन नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया। मैं अपने बाजुओं को महसूस ही नहीं कर पा रही। ठीक है, अब होने वाला है। ये रहे तुम। और मैं इसे उठा नहीं पाई, अब मुझे उसे कॉल बैक करना होगा। रुको, शायद मैं कुछ बना सकती हूँ। हाँ ये बढ़िया होने वाला है। एक कॉर्ड लें और इसे इस तरह मार्कर पर लपेटें। जब ये पूरा हो जाए और इसके ऊपर एक मिनट के लिए ब्लो ड्रायर मारें। और जब आप मार्कर बाहर निकालेंगे तो कॉर्ड साथ में नहीं आएगी। अभी इसके अंदर जाने वाला है। ये रहा,
और अब जब मैं मेहनत करूंगी, मुझे अपना फोन ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा। जब भी वो बजेगा, ये केविन है। कैसी हो दोस्त? माफ करना, पहले मैं उठा नहीं पाई थी। रही हूँ। हे भगवान, वो आ गया। ये कैसे हो सकता है? हो, तुम फिर से लेट हो। खैर, अपनी सीट पर बैठो, वो मेरे साथ बैठने वाला है। अच्छी तो दिख रही हूँ ना? ये क्या है? एक शेफ। हाय। हे बेब, कैसी हो? ओ, अच्छी हूँ। तुम्हें थोड़ी आइसक्रीम चाहिए? मैं जंक फूड नहीं खाता। वाह, वो तो कमाल है। क्या? ओ नहीं, मैंने उसे अपने कपड़ों पर गिरा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर उसने ये दाग देख लिया तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। वो पक्का भाग ही जाएगा। वो एथलीट है तो वो बहुत तेज भागेगा। ये दाग सब खराब कर देगा। मैं उसे पकड़ भी नहीं पाऊंगी और मेरा सपना पूरा नहीं होगा। नहीं! हे भगवान, मैं ये नहीं होने दे सकती। यहाँ कुछ तो ऐसा होगा जो मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। मेरा 3D पेन? हाँ, ये काम आ सकता है। ठीक है, पहले मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ और अब इसे आगे पीछे करके पूरा फिल कर देंगे, बिल्कुल नीचे तक। बढ़िया, अब मैं इसमें डायगोनल लाइंस बनाऊंगी और दूसरी तरफ से भी क्रिस क्रॉसिंग। ये अच्छा लग रहा है। अब पिंक वाला लेते हैं और अब हम इस सर्कल को फिल करेंगे। आगे पीछे, आगे पीछे, कितना सुंदर रंग है। तो चलो यहाँ एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएंगे। अब और कलर्स लेने होंगे तो मैं आइसक्रीम पर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन और बनाऊंगी और अब इसे फिल करेंगे। अब ये पता चल रहा है कि ये चॉकलेट है। बढ़िया, खाने के लिए ये बहुत अच्छी है। चलो थोड़े स्प्रिंकल्स डाल दे। बस थोड़े और हो गया। वाह, कितना बढ़िया बना है। अब मैं इसे अपनी शर्ट के दाग पर लगा देती हूँ। उसे कैसा लगेगा? ओह, जरा उसे देखो, ये तो बहुत प्यारी है। तुम कैसी हो? ये आइसक्रीम कोन तो बहुत कूल है। मॉर्निंग जूली, मेरा नया मग कितना सुंदर है ना? ओह, बहुत प्यारा है। मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बटर फिंगर्स। हाँ तो ठीक है, मुझे इसे कहीं रखना होगा। वो शेल्फ तो बहुत ऊंचे हैं। जूली यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हील्स में भी नहीं। फिर मिलते हैं। वो देख तो नहीं रही ना? हम वो मग लेकर रहेंगे। बस पहुंच ही गई। मैं यही से टेस्ट कर सकती हूँ। हाँ, ओ नहीं, ये कैसे हो गया? अब तो मैं गई। मुझे सबूत मिटाने होंगे। इसके नीचे देखता भी कौन है? मेरा 3D पेन। शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। पहले फॉइल से एक शेप बनाएं। जब ये पूरा कवर हो जाए तो इसे सूखने दें और फिर निकाल लें। अब हमें थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत है। एक बड़ा सा दिल बनाते हैं और अब इसे फिल करें। इस तरह ऊपर नीचे लाइंस बनाते जाएं और ये हो गया। एकदम शांति से करना होगा। लो, चलो देखें। ओहो, ये मग कितना प्यारा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब सब तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो एनी। यहीं रुक जाओ मिस्सी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्रिस कर क्या रहा है? मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। जाओ डियर। ऑपरेशन फोन कार शुरू हो चुका है। स्टिकेटे लगा दी। फोन तैयार हो जाओ और तुम चले। लातों से ध्यान से जाना। आराम से मुड़ते हुए ध्यान देना। और हम पहुंच गए। मुझे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है। मैं इस ग्रीक पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे थोड़ी और ज्वेलरी पहन लेनी चाहिए। नहीं, ये काम नहीं करेगा। और स्टार्स? नहीं, ये फिट नहीं आ रहे। क्या
खैर, इस नेकलेस के बारे में क्या ख्याल है? ये भी नहीं। हे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी ज्वेलरी देखो। वाह, कितनी बढ़िया लग रही है। और मेरे पास सिर्फ यही है। और ये मेरे आउटफिट से भी मैच नहीं होता। ओह, खैर, हम इसका कुछ कर सकते हैं। 3D पेन आ चुका है। जी हाँ, मैं नेफर्टिटीज बस्ट को मॉडल की तरह इस्तेमाल करूंगी। हाँ, अब इस तरफ चलते हैं। देखो, ये एक लीफ है। अब हम एक और लीफ बनाएंगे। ये कितनी अच्छी बन रही है। लो, आखिरी भी बन चुकी है। मैंने कहा, मुझे पता था हम कुछ जबरदस्त बनाएंगे। शुक्रिया, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। के लिए तैयार तो हूँ। ये क्या चल रहा है? इतने बड़े बड़े सर लेकर आ गए। हम आज पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? बेस्ट पार्टी? शानदार बेस्ट पार्टी एवर। मेरे पास कपड़े भी हैं। पार्टी टाइम। पर ये नेल्स, मैं ऐसे नहीं जा सकती। पर मैनीक्योर बहुत महंगे होते हैं। मैं इन्हें कैसे छिपाऊं? मेरा 3D पेन। अच्छे नेल्स चाहिए। पहले कुछ पार्चमेंट पेपर लगाएं। क्यूटिकल्स डिफाइन करके नेल की आउटलाइन ट्रेस कर लें। अब पेपर हटा लें। अब नेल ड्रॉ कर लें और पेंसिल से फिल कर दें। रेड अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। इसे कर्व करने के लिए इस तरह की बार का इस्तेमाल करें। अब इसे पेपर से निकाल लें और ये बिल्कुल फिट आ जाएगा। टडा! लाजवाब। और ये आसान भी है। महंगे महंगे मैनीक्योर में पैसे कौन लगाए, जब आप ये खुद कर सकते हैं। हे, क्या बढ़िया नेल्स है। शुक्रिया। ये हुई ना बात। ओह, क्या दिन था। बहुत तेज नींद आ रही है। थोड़ा आराम तो करने दो। इस साइड हो जाती हूँ। बहुत तेज है। मुझे सोना है। हाँ, अब बेहतर है। ये पिलो इतना अनकंफर्टेबल क्यों है? ये क्या बात हुई? पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ है। एक लात बाहर निकालती हूँ, इससे ठीक लगेगा। लेकिन बेड के नीचे मॉन्स्टर्स हुए तो? ऊपर ही रख लेती हूँ। मुझे अब अच्छी नींद नहीं आने वाली। हाँ बिल्कुल, अब मुझे ठंड लग रही है। इस तरह या इस तरह? मुझे मेरे बेड से नफरत है। ये सबसे बुरी रात है। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? हे, एक अंडा। इससे मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आया। हम एक फोन केस और ग्लू गन लेंगे। बीच में एक ग्लू का सर्कल लगाएंगे और व्हाइट नेल पॉलिश से पेंट करेंगे। बढ़िया, अब इसके सूखने का इंतजार करते हैं। अगले स्टेप के लिए हमें एक येलो बलून चाहिए। ऊपर से काट लेते हैं। अब इसमें स्लाइम की बॉल डालेंगे, बिल्कुल इसी तरह। और अब इसे फोन पर लगाते हैं। ये स्क्विशी है। हो गया। ऐसा लग रहा है मेरे फोन के उस पर एक अंडा है। ओह, ये स्क्विश बहुत रिलैक्सिंग है। वाह, अब मुझे नींद आ रही है। अंडे, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब हम कुछ खाएंगे। वाह, वो मेरी ड्रीम गर्ल है। हर कॉप को डोनट्स पसंद होते हैं। मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। बहुत मजा आएगा। वो अच्छे लग रहे हैं। अभी नहीं।
ये इतना लाउड क्यों है? हेलो, काश मैं उसे अपनी बाहों में ले पाता। मेरी डोनट्स, अब मैं उन्हें नहीं खा पाऊंगा। काश मैं कुछ कर पाता। सोचो मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूं? ओह, लगता है मैं समझ गया। आहा, 3D पेन से एक सर्कल बनाए, बाहर की तरफ घुमाते जाए ताकि ये सर्कल बढ़े। जब आपको सही साइज मिल जाए तो आप 3D पेन से इसकी हाइट बढ़ाए। बस इसके ऊपर ऊपर लेयर्स बनाते जाए। ये करते करते बीच तक आ जाए और फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक मिनी डोनट। अलग अलग रंग इस्तेमाल करें और फ्रॉस्टिंग भी लगाएं। देखकर ही भूख लग गई। अच्छा लग रहा है। अब इस पर स्प्रिंकल्स और चेन लगाएंगे। कितना बढ़िया गिफ्ट है। वाह, उम्मीद है उसे ये पसंद आए। मैं आ रहा हूँ मेरी जान। हे, अब तुम्हें क्या चाहिए? इधर आओ। ये कोई चाल तो नहीं? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ओ, ये खूबसूरत है, मुझे पसंद आया। तुम कितने प्यारे हो। हाँ। हे, मैंने इस टेस्ट की तैयारी की थी। हे, तुम कैसी हो? माफ करना, मैं बिजी हूँ। बहुत रूड है, पर कोई बात नहीं, मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ। पेंसिल केस यहाँ रखेंगे। ये क्या, थोड़ा ध्यान दे सकती हो? माफ करना, गलती से हुआ, मैं शांत रहूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ क्या है? हे जो, यहाँ देखो। क्या? हाँ, वो कहाँ चली गई? बू, पकड़ लिया। जरा ये देखो, मैंने प्यारा सा डॉग बनाया। मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। जाओ, निकलो यहाँ से। उसे आर्ट इतना पसंद नहीं है। हे, तुम क्या कर रही हो? बस भी करो, शांत रहो, थोड़ी मस्ती करते हैं ना? वो क्या था? मैं जल्दी से देख लेती हूँ। चलो भी। जी हाँ, मेरा आइसक्रीम टेबल एकदम तैयार है। जरा इसे तो देखो। हाँ, क्या वो मुझे घूर रही है? हे, आइसक्रीम, आओ और ले जाओ। हाँ, ये रहा आइसक्रीम कोन। बहुत बहुत शुक्रिया, मजे करो। आइसक्रीम एकदम ताजी और स्वादिष्ट, सिर्फ आज के लिए। हाँ, मेरी आइसक्रीम तो हिट हो गई। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए भी। क्या, उसने अभी से इतने पैसे कमा भी लिए? हे, यहाँ पर आइसक्रीम है और ये बहुत स्वादिष्ट है। कोई भी मेरी आइसक्रीम क्यों नहीं खरीद रहा? ये बहुत स्वादिष्ट है। रखो, शायद मेरी लुक की वजह से। हाँ, पहले आई कलर से शुरू करती हूँ। मैं इसे ब्लू रखूंगी। और अब मेरे आइसक्रीम कोन्स, पहले कोन को ट्रेस करेंगे, फिर पेपर नैपकिन्स और लिक्विड लेटेक्स से पेपर को क्रम्बल करके लेटेक्स में डिप करेंगे। जो सर्कल हमने बनाया था इसके ऊपर लगाएंगे। इसे पूरे सर्कल पर लगाना होगा। तो चलो, हो गया। अब कोन वापस लेंगे और इस पूरी जगह पर हम कोन लगा देंगे। जी हाँ, अब एक व्हाइट पेंसिल से अपने चेहरे पर लाइन ट्रेस करेंगे, नीचे लिप्स और चिन तक। हाँ, इतना काफी होगा। अब हमें चाहिए पिंक पेंट पैलेट और ब्रश। इसे पेपर पर डैप करेंगे और जब ये सूख जाए इसे पूरे पेपर पर करेंगे और चेहरे को भी पेंट करेंगे। हो गया। अब आगे क्या करें? स्प्रिंकल्स। इसे कोन और पेंट दोनों पर स्प्रिंकल करेंगे। मैंने ये अपने लिप्स और आईलिड पर भी लगाया है और ये हो गया। ऐसा लगा है जैसे मेरे चेहरे पर ये कोन मेल्ट हो गया हो। अब आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम, यहाँ पर आइसक्रीम है। वो, जरा उसे देखो, मैं अपनी आइसक्रीम वहीं से लूंगा। वाह, तुम्हारा मेकअप शानदार है। शुक्रिया, ये रही आपकी आइसक्रीम। मुझे भी तो प्लीज, मुझे कौन पसंद आया। ओह, ये आइसक्रीम स्वादिष्ट है। ये क्या है? खैर, मैं भी ये कर सकती हूँ। लो, देखा तो तुम्हें कैसा लगा? हे, हाय ब्रायन, मैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अरे वाह, ये मेरे लिए है। इसे खोलते कैसे हैं? रुको। अरे नहीं, मेरा हीरो। बाल बाल बचा।
हाँ, ओ, मेरे पास एक आइडिया है। अपना आईफोन बचाने के लिए आपको बस एक ग्लू गन चाहिए। आईफोन के कोनों पर ग्लू लगाना शुरू करें। ध्यान रहे कैमरा बचाकर। फोन के साइड पर ग्लू को गिरने दें। हम चाहते हैं कि फोन सेफ रहे। अब इसे बाकी जगह पर फिल कर दें। अच्छे से ग्लू लगाएं ताकि मोटी लेयर बनी रहे। जब फोन कवर हो जाए तो ग्लू को सेट होने दें। अब फालतू की ग्लू हटा दें और ये बन गया एक अनोखा फोन केस। तुम्हें कैसा लगा? ओह, ये तो कमाल है। शुक्रिया ब्रायन। ओह, नहीं हो सकता। चलो स्वीटी, तुम्हें हाथ तो धोने ही होंगे। मैं नहीं धोना चाहता। मैं और डके जा रहे है। वापिस आओ। कस्टमर पाते डकी। अपने आप को बचाओ डकी। आउच, मेरा पैर। हर जगह लेगोज है। मैं बस सफाई करती रह जाती हूँ। रुको, एक बोल लें और उसमें जेली सोप डालें। सोप को पिघलाएं और फूड कलरिंग डालें। बस जरा सी काफी है। अब सोप और डाई को साथ में मिला दें। ध्यान रहे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये हो जाए तो सोप को लेगो ब्लॉक में डालें। बस इसे गिराना दें। इसे पूरा ऊपर तक भरें और दूसरी साइड भी ऐसा ही करें। अब इसे सेट होने दें। इसे उल्टा करें और सोप निकाल लें। एकदम मजेदार रंगीन सोप। तुम्हें कैसा लगा लेगो सोप? मुझे दो। जी हाँ, चलो इसके साथ अच्छे से खेलो। वाओ, इसमें तो अलग अलग कलर्स है। येलो वाला ट्राई करो। ये तो मजेदार है। बहुत बड़े बड़े दांत थे पर उसका दिल भी बहुत बड़ा था। तो जब प्रिंसेस ने उसका फर पकड़ा तो वो उसके पैरों में लेट गया और तब से वो हमेशा साथ रहे। और वो सो गई। मैं उसे ढक देती हूँ। अब आराम से निकलते हैं। ओ, बहुत तेज था। उठ मत जाना। फिर वो सो ही रही है। अरे नहीं, उसकी डॉल टूट गई। उसे पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओह, मुझे पता है क्या करना है। इधर आओ डॉली, तुम्हें रिपेयर करते हैं। मुझे निराश मत करना 3D पेन, मुझे इस बार तुम्हारी जरूरत है। मैं इसे फिश स्केल्स की तरह बनाऊंगी ताकि मर्मेड टेल और अच्छी दिखे। और अब नीचे फिन्स। येलो से शुरू करना सही रहेगा पर मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगी ताकि और सुंदर दिखे। हो गया। और अब थोड़े फिनिशिंग टचेस, थोड़ा येलो ऊपर भी और ये हो गया। ओह, कितनी प्यारी लग रही है। लगता है वो इसे देखकर खुश होगी। मुझे अपने ऊपर गर्व है। मैं डॉली को यहीं रख देती हूँ। अच्छे से सो जाओ। अब मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। वुल्फ को चेरी आइसक्रीम चाहिए। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मुझे कुछ खाना चाहिए। बटलर, हेलो। मैंने कहा हेलो। मैं यहाँ अकेली हूँ। रुको, ये फ्रिज है। मेरा लक बदल रहा है। नॉक नॉक। मैं नहीं खा सकती। इसे इसमें किसने रखा? ये खराब हो गया। मैं खा सकती थी। मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। ठीक है, ये कहाँ गया? माउस। और उसने मेरा कचरा चुरा लिया। शुक्र है मेरे पास और है। मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं तो मर ही जाऊंगी। हाँ, यहाँ भी कुछ नहीं। अगर मैं इसकी दुआएं करूं। हाँ, अभी भी कुछ नहीं है। दोबारा देख लेती हूँ। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं इसे हॉट डॉग पर डालती हूँ पर आज के लिए इसे पी लेते हैं। एकदम गर्म है। और ये वाला भी। मुझे लगा था टेस्ट मुश्किल होते होंगे। ये मजेदार है।
और मेरा हो गया, ये रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। ओ, स्कूल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। खैर बहुत सा काम है, मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। ये लो, इसमें और डाल देते हैं। लाओ इधर। वाह, यहाँ तो बहुत धूल है, लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? जरा हट जाओ, तुमने मेरे बालों को छुआ, नर्ड। मैं आज का टेस्ट लिख देती हूँ, थोड़ी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस इसमें डालूंगी। बहुत मजा आया। वेकी वेकी, एग्जाम शुरू करने का टाइम हो गया। ओह हाँ, थैंक्स जूली। ओह चाय, बहुत अच्छी है। तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं टेस्ट दोबारा कर लेती हूँ। ये कैसे हो सकता है? और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ला ला ला। बहुत समय लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, तो हम खाएं? बिल्कुल। ओह फैंसी, ये लो, कितना रोमांटिक है। लगता है तुम कुछ भूल गए। हमें चम्मच क्यों चाहिए? ठीक है, देखो। टेस्टी। बहुत गंदा है पर ये प्यारा भी है। तुम नहीं खा रही? नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। पर मैं चाहता था तुम्हें पसंद आए। मैं अपने बैग में देखता हूँ। एक अंडा, ये यहाँ कैसे आया? एक 3D पेन। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक अंडा ले और 3D पेन से इसके ऊपर ड्रॉ करें। अंडे पर एक स्पाइरल बनाएं, बिल्कुल इस तरह। अब स्पाइरल के आसपास भी लाइंस ड्रॉ करें, इसे फिल करना शुरू करें। जब ये हो जाए तो प्लास्टिक को अंडे से निकाल ले और इसके ऊपर हैंडल लगा दे। ये बन गया स्पून। अब 3D पेन से कुछ डिटेल्स बना दे। हम एक पॉ प्रिंट बनाएंगे, थोड़ी सी और डिटेल्स भी। अब चम्मच के अंदर एक चेहरा भी बना दे। हे ऐसी, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। मेरे लिए? मुझे पसंद आया। यम्मी। वाह, अपना खाना चबा कर खाओ। आज का दिन सबसे अच्छा है। हम अब कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। पर तुम कमाल हो। जाओ डैड, मुझे कुछ चाहिए। ओह, उसने तो ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, कुछ भूल रही हो? थैंक्स। चलो चले। मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। नहीं, यहाँ भी नहीं है। क्या? मेरी कीज। तुमने वो दोबारा खो दी? चलो देखते हैं। नहीं, आपने इसके नीचे देखा? काउच के नीचे देखते हैं। है कुछ? नहीं। तो फिर कुछ सोचते हैं। मेरे पास तो नहीं है, है ना? अरे नहीं। ओह याइक्स, समझ नहीं आ रहा और कहाँ देखे। एक मिनट रुको, अब ये संभाल कर रखना। मिसी, तुम्हारा दिन अच्छा हो। रुको, मेरी कीज कहाँ पर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे नाइट स्टैंड पर। अरे यार, डैड मुझे अंदर आने दो। ये कहानी तो बहुत दिलचस्प हो रही है। अब क्या होगा? मैं यही रह जाऊंगी। कोई कचरा नहीं फेंकता। एवा, मैं अपनी कीज भूल गई। दोबारा? अरे नहीं, ये सब तुम्हारा है? इससे मुझे एक आइडिया आया। इसके लिए मुझे तुम्हारा पजल पीस चाहिए होगा, पर तुम अपनी कीज नहीं घुमाओगी। इसे अच्छे से कवर कर दे, फिर उसके ऊपर अपने नाम का पहला लेटर बनाए। हो गया, अब ये नहीं खोएंगी। ये लो। हे, इस पर तो ए बना है। थैंक्स डैड। ओह, डैड ने अपने लिए भी एक बनाई। ये साथ में कितने क्यूट लगते हैं।
मेरे डैड सबसे अच्छे हैं। ये काम किया? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हे, मैं खेलती हूँ, मुझे भी एक बारी चाहिए। इसकी जगह तुम कुछ और कर लो ना। लो, मेकअप के साथ खेलो। खैर ठीक है, मुझे इसे अपने चेहरे पर लगाना है। लो, अब मैं इसे लगा सकती हूँ। हे भगवान, उसने कॉम्पैक्ट खराब कर दिया। मैं दोबारा बोर हो रही हूँ, अब मेरी बारी है। लो मेरी वॉच से खेल लो। मेरे स्कोर्स बढ़ने ही वाले हैं। अब क्या करूं, इतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ और भी होता। क्या 3D पेन मेरी मदद करेगा? हाँ, मुझे इसका हल मिल गया। मुझे सही शेप चाहिए होगी, अब इसे फिल करेंगे। जल्दी करना होगा इससे पहले वो आ जाए। बस थोड़ा सा और, अब इसे बनाते हैं ताकि 3D लगे। हाँ बढ़िया, अब ऊपर थोड़ी स्क्विगलीज। इसके शेप बहुत बढ़िया है। हो गया, देखो अभी ऊपर नीचे होता है। हाँ शायद ये काम करेगा। ओ नहीं, वो आ गई। कंट्रोलर छपाना होगा। माफ करना, अब वो मेरे पास नहीं है। खैर वो कहाँ गया? तुम बहुत मतलबी हो। फिर काम किया, वो जा रही है। अब मुझे कंट्रोलर को निकालना होगा। कितनी प्यारी सुबह है, मुझे तैयार होना चाहिए। उठ जाओ, मॉर्निंग। मैं दांत ब्रश कर लेती हूँ। मुझे अभी भी नींद आ रही है। ओह, गुदगुदी हुई। मेरे दांत चमक रहे हैं। ओ नहीं, शायद वो ध्यान ना दे। ठीक है, अब क्या करना है? मेकअप सही लग रहा है। ओह, मेरे इयररिंग्स, जल्दी से पहन लेती हूँ। दूसरा वाला कहाँ है? मुझे मत देखो, मुझे नहीं पता। उसे पता नहीं चला। बहुत अजीब बात है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। एक 3D पेन इस्तेमाल कर एक ट्रायंगल बनाना शुरू करें। बिल्कुल इस तरह लाइंस को साथ साथ जोड़ें। जब ट्रायंगल का बेस बन जाए, एक अलग रंग इस्तेमाल करें। हमें वाटरमेलन बनाना है तो अलग अलग ग्रीन कलर्स इस्तेमाल करें। और अब बीज के लिए ब्लैक डॉट्स बनाएं। ब्लैक डॉट्स रेड प्लास्टिक पर अलग अलग होने चाहिए। जब ये हो जाए तो इसे पलटाएं और पीछे इयररिंग स्टड लगा दें। कितना फैशनेबल और स्वादिष्ट लग रहा है। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। छोटी छोटी लाइंस बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। हमें एक लीफ की शेप बनानी है। ये अच्छा लग रहा है। अब इसे पलटाएं और एक छोटा सा क्लियर स्ट्रॉ लगाएं। इसे काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करें। ये आपके कान से लीफ को टिकाए रखेगा। वाह, अच्छा लग रहा है। मैं प्लम्बर बनना चाहती हूँ। मैं जानती थी। हेलो, कोई बहस नहीं, यहाँ बैठ जाओ और हिलना मत। लगता है वो शुरू हो चुका है। जाओ अंदर, आप ये नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। छोड़ दो प्लीज, अंदर चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम हमेशा ये क्यों करती हो? तुमने कोई चारा नहीं छोड़ा। एक्सक्यूज मी, मैं जूली को ले आई। हाँ, तुम कौन हो? जूली वापस आओ। मत करो, क्या बकवास है, अंदर चलो। ओ, मैं समझ गई, मैं तुम्हें पॉपिट्स दूंगी। ये अच्छे तो हैं, पर नहीं। अब एक ही चीज हो सकती है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। नहीं, मुझे लगा वो काम करेगा। बात के लिए रख लेती हूँ। थोड़ी कैंडी कैसी रहेगी? ओ, मुझे कैंडी पसंद है। ठीक है, आ जाओ। मुझे दो कैंडी के साथ साथ आ जाओ। बस पहुंच ही गए। इतनी सारी कैंडी? ये तुम्हारी ही है। वाह, ये सारे मेरे लिए? मैं ये जरूर खाऊंगी। रुको, क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे बुद्धू बनाया। अगली बार मुझे याद रखना होगा। ओ, बाल बाल बचे। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ओ, बिल्कुल जाओगी।
चलो नहीं तो जैसा तुम कहो। ये हुई ना बात। ओह बहुत ठंड है। मैं दोबारा काउच पर सो गई। वो बाल भी अड़ गए। मेरी कोम कहाँ है? इसमें तो और बाकी फालतू सामान है। बकवास, इस पर तो मकड़ी के जाले लगे हैं। बिल्कुल ही बेकार है। ये पहले की तरह काम नहीं कर रहा। इसमें बहुत दर्द हो रहा है। आउच, बहुत अड़ गए हैं। गह, ये क्या है? निकल जाओ। चलो भी। गह, वो ये मेरे बालों का हिस्सा था। इसने इतने ज्यादा बाल क्यों निकाल दिए? जो भी है मैं हाथों से कर लूंगी। नहीं, यहाँ कुछ और पड़ा है। वो स्पैचुला कैसा रहेगा? ब्रिसल्स बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आप ब्रिसल्स लंबे या छोटे कैसे भी रख सकते हैं। पूरा स्पैचुला कवर करते हुए करते जाएं। अब इसे ट्रिम करते हैं। आधा काफी होगा। हो गया, आपको एक ब्रश मिल गया। अब बाल बिल्कुल भी नहीं अड़ेंगे और मेरे बाल बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे और इसमें कुछ ज्यादा लगा भी नहीं। देखो मेरे बाल अब कितने बढ़िया हैं। क्रिएटिव होना अच्छा है और थका देने वाला भी। बहुत मजेदार ट्रिप होगी। मैं टैन होने का इंतजार नहीं कर सकती और मैंने टिकट फर्स्ट क्लास मिली है। चलो फिर मिलते हैं। मैं पैकिंग पूरी कर लूं। मैं सब ले लेती हूँ। ओह सन हैट भी। मैं ये नहीं ले जा सकती। बिल्कुल नहीं, मुझे असल में बीची सैंडल्स चाहिए। मुझे पता है वो यही कहीं थे। एक माउस, ये मेरे सैंडल्स खराब कर रहा है। ये मुझे वापस दो चूहे। मैंने कहा इसे दो। जाओ निकलो यहाँ से। शुक्रिया, वो गया। हे, एक सेकंड रुको। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास ये पुराने गलोशेस हैं। मैं इन्हें ऊपर से काट दूंगी और ये हो गया। ये निकल आए और हमें अब एक और कट यहाँ लगाना है और ये हो गया। वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब हमारे पास सैंडल्स का एक नया पेयर है। परफेक्ट। अब आकर दिखाओ पुट्टू माउस और चलो बीच पर चले। आज लॉन्ड्री डे है। शुक्र है धोने के लिए काफी कपड़े नहीं है। ओह मेरी जीन्स, मुझे बहुत पसंद है। ये सब में से मेरी मन पसंद है। हो गया, बस थोड़े से ही कपड़े हैं। तो चलो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं वॉच पर टाइम लगा देती हूँ और यहाँ रहकर इंतजार करते हैं। वाह मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। हाँ बस ये कपड़े धुलने ही वाले हैं। ओह हो गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। ये रही मेरी स्कर्ट। क्या इसे क्या हो गया? ये इतनी छोटी कैसे हो गई? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी फेवरेट जीन्स के साथ ऐसा ना हो। लगता है ये ठीक है। मुझे इन्हें ट्राई कर लेना चाहिए। चलो भी फिट हो जाओ। इन्हें खींचना होगा। कोई काम का नहीं। ये श्रिंक भी हो गई है। मेरी फेवरेट जीन्स पूरी खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इन्होंने मुझे धोखा दिया है। मुझे तो बस इनसे प्यार था। रुको, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं इन्हें उल्टा पहनती हूँ। इन्हें दोनों लातों पर चढ़ाना होगा और फिर मैं इन्हें ऊपर ले आऊंगी। हाँ ये काम किया। मैंने पैंट्स के साथ सही खेल खेला। तो स्कर्ट, मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है। हाँ मेरी मनपसंद जीन्स बच गई और ये बिल्कुल नई जैसी लग रही है।
अब मैं अपना दिन शुरू कर सकती हूँ। चिड़िया नहीं पसंद। ये क्या है? ओह अलार्म। अब उठने का समय है। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, इस अलार्म को बंद कर देती हूँ। ये क्या? मेरा फोन कहाँ है? ये रहा कवर्स के नीचे। ओह, उठना मुश्किल है। मेरा फोन फिर गायब हो गया। ये क्या? ये मेरे सर पर कैसे आ गया? मैं कभी अपना फोन नहीं ढूंढ पाती। हाँ, अगर इसे यही रहना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। मुझे अपने 3D पेन की जरूरत होगी। हाँ, लाइंस बनाने से शुरू करेंगे। अब आगे और पीछे। लो, मैंने एक क्रॉस हैच बना दिया। एकदम वॉफल जैसा है। अब अगला रंग। इसका भी पैटर्न वही है, बस उसे छोटा। जी हाँ, एक और हो गया। अब एक और रंग लेंगे। और ये वैसे ही है और उनसे छोटे। अब सबको साथ में लगाते हैं। ये रहे मेरे सारे पीसेस। जी हाँ, ये टेस्ट करने के लिए तैयार है। ये मेरे बेड पर अच्छे से टंग गया और इसमें आ गया फोन। ओह, एक और नया दिन। और ये रहा मेरा फोन। बहुत बड़े बड़े दांत थे, पर उसका दिल भी बहुत बड़ा था। तो जब प्रिंसेस ने उसका फर पकड़ा तो वो उसके पैरों में लेट गया और तब से वो हमेशा साथ रहे। ओह, वो सो गई। मैं उसे ढक देती हूँ। अब आराम से निकलते हैं। ओह, बहुत तेज था। ओह, उठ मत जाना। वो सो ही रही है। अरे नहीं, उसकी डॉल टूट गई। उसे पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएगी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओह, मुझे पता है क्या करना है। इधर आओ डॉली, तुम्हें रिपेयर करते हैं। मुझे निराश मत करना 3D पेन, मुझे इस बार तुम्हारी जरूरत है। मैं इसे फिश स्केल्स की तरह बनाऊंगी ताकि मम्मी टेल और अच्छी दिखे। और अब नीचे फिन्स। येलो से शुरू करना सही रहेगा, पर मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगी ताकि और सुंदर दिखे। हो गया। और अब थोड़े फिनिशिंग टचेस, थोड़ा येलो ऊपर भी। और ये हो गया। ओह, कितनी प्यारी लग रही है। लगता है वो इसे देखकर खुश होगी। मुझे अपने ऊपर गर्व है। मैं डॉली को यही रख देती हूँ। अच्छे से सो जाओ। अब मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। वल्फ को चेरी आइसक्रीम चाहिए। नियोस तो बिल्कुल ठीक है। माफ करना, मैं यहाँ सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, सच में? हटोगी नहीं? हाँ ठीक है, हट जाती हूँ। तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ। यम, मजा आया। हाँ, बस हो ही गया। अभी और नहीं चाहिए। ये लो, ले जाओ। मेरी कोई नहीं सुनता। एकदम साफ। वो, मैं गई। वो, ये क्या हुआ? मुझे तारे नजर आ रहे हैं। वो, मेरी गलती है। यहाँ क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा। अच्छा, ये बच्चे बहुत पागल हैं। हम ये रोक सकते हैं। वो जगह रह गई। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बुरा दिन है। कितना बोरिंग है। और इसीलिए इसे कॉटन कैंडी ब्रेक कहते हैं। फरवरी तक हमारी सेल्स ऐसे रहेंगी। क्या इनमें से कोई मेरी बात सुन रहा है? 10 में से 5। समझ गए। पहले व्हाइट मेकअप पेंसिल से अपने चेहरे पर इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सबसे ऊपर व्हाइट मेकअप करेंगे।
कुछ मिनट लग जाएंगे और एक कोट से थोड़ा ज्यादा। अब नीचे की तरफ आए और ये होगा मजेदार हिस्सा। तो चलो, एक साइड पिंक और एक साइड ब्लू, नोज के पास येलो और नेक तक आते आते इसे ब्लेंड करते जाएं। बढ़िया। अब एक ब्रश पर थोड़ा व्हाइट कलर ले और प्यारे प्यारे क्लाउड्स बनाएं। अलग अलग साइज के हो सकते हैं। नेक मत भूल जाना। आखिर में लिप्स पर थोड़ा ग्लॉस लगाना अच्छा रहेगा। सुंदर लग रहा है ना? तुम्हें क्या लगा मैं इन्हें छोड़ दूंगी? वो व्हाइट कॉन्टैक्ट से इसकी लुक एकदम बदल गई। अब हम आगे बढ़े। वो जरा ये देखो, बहुत अच्छे। शुक्र है तुमने ध्यान तो दिया। अब और ध्यान देने की जरूरत है। ले आओ, तुम्हें इसे टेस्ट जरूर करना चाहिए। कितना मीठा है। शानदार, देखो। और वो मुझसे डर गया था। अरे हाँ, उसने पता नहीं उसे कैसे ये कह दिया। योइंक, मैंने ले ली। पकड़ के दिखाओ। उप्स, हो, अब हम फंसने वाले हैं। ये बहुत हुआ। तुम्हें पता है हॉल्स में नहीं भाग सकते। मेरे ऑफिस में अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। ये बहुत बुरा हुआ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फंसा दिया। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक और मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। पहले इस तरफ मेकअप लगाएंगे। ये ग्लू है जो सूख जाएगी। थोड़ा यहाँ भी लगाएंगे स्किन को थोड़ा खींच कर, और जब ये सूख जाएगी तो ये झुर्रियां लगेंगी। इसे अपनी नाक और मुंह पर भी लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी, थोड़ा गाल पर भी, और ये तो हो गया। अब आईलिड्स पर लगाते हैं। हाँ, देखो मैं कितनी बूढ़ी लग रही हूँ, पर मेरी लिप्स अभी भी जवान है। इन्हें भी पूरा करना होगा। अब मेरे आईब्रोज की बारी। इन्हें ग्रे करने के लिए थोड़ी ग्लू लगाएंगे और आईलैशेस भी। अब ब्लेंडिंग शुरू करते हैं। आखिर में एक बूढ़ी औरत का विग। तुम्हें कैसा लगा? मैं मॉम जैसी लग रही हूँ या फिर ग्रैंडमा जैसी? हेलो प्रिंसिपल, मेरी ग्रैंडमा आई है। आपने बुलाया था ना? जी हाँ, आइए बैठिए। यहाँ बैठ जाओ ग्रैंडमा, मैं बाहर जा रही हूँ। आप उनकी ग्रैंड मदर हैं? आपने ये भेजा था? ठीक है। खैर देखिए, वो हॉलवे में भाग रही थी। मैं समझ रही हूँ, बस और कहने की जरूरत नहीं। मैं उससे बात करती हूँ, वो समझ जाएगी। ये काम किया, वो मान गई। हाँ शुक्रिया, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। चलो अब ये चेहरा निकाल दो, जरा देखो ये सीधा निकल रहा है। एक सेकंड रुको। हे, तुम ये क्या कर रही हो? भागो। ओह, बेल बजे है, मैं देख कर आती हूँ। अरे नहीं, कितना बढ़िया चल रहा था। देखो एक पैकेज आया है। ये मेरे नए क्रॉक्स हैं। कितने सुंदर हैं, मुझे बहुत पसंद आए। वाह, मुझे चलन हो रही है। मेरे वाले तो एकदम बोरिंग है। हे, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। मैंने एक प्यारा सा फ्लावर बनाया और अब मैं अपना 3D पेन लूंगी। दो पेटल्स हो गए। अब बाकी मुझे पैक एंड फोर्ड पैटर्न पसंद है। हो गया, अब मैं बीच में येलो फिल करूंगी। हाँ, कितना प्यारा बन गया। अब एक स्ट्रॉबेरी। मैं इसे पहले ब्लैक से आउटलाइन करूंगी। ये अच्छी लग रही है। अब ग्रीन टॉप। हाँ बिल्कुल, बेरी के लिए रेड। ये बहुत खूबसूरत होगा। बन गया। अब एक स्टार। मुझे इसके लिए टेम्पलेट भी नहीं चाहिए, मैं इसे ऐसे ही बना सकती हूँ। और येलो से लगेगा कि ये बहुत तेज चमक रहा है। हो गया, अब शूज के बारी। मैं स्टार यहाँ रखूंगी और अब बाकी चीजें। हाँ ये बहुत अच्छी बन गई। चलो इन्हें ट्राई करें। हे भगवान, मुझे बहुत पसंद आई। तुमने बहुत अच्छा किया केट। खैर ये लो, तुम भी ले सकती हो। हाँ शुक्रिया। तुम्हें कुछ और कूल देखना है? देखो मैंने और क्या बनाया, वो बिल्कुल ऊपर लग जाते हैं और फिर एकदम नए जैसे लगते हैं। मैंने इसे 3D पेन से ट्रेस किया था।
कितना कूल है। ओह हाँ, डांस। अब हम अपने नए शूज शो ऑफ कर सकते हैं। ऐसे बस यही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चीज ठीक है, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। मिल गया। ये अच्छा है कि मेरे पास ये पॉप्सिकल स्टिक्स हैं। चीज के ब्लॉक में पॉप्सिकल स्टिक्स लगाएं और अब तीन हिस्सों में चीज को काट दें। अब इस चीज को पहले अंडे में डुबोएं और फिर फ्लावर में और इसके बाद ब्रेड क्रम्स में। अब इस चीज ब्लॉक को गर्म तेल में डाल दें, इसे गोल गोल घुमाएं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसे प्लेट में रखते हैं। ये तो कमाल लग रही है, मेरी मदद करो। ओप्स, माफ करना, मैं तुम्हें किस चीज के पैसे देती हूँ। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या, मैं वेकेशन पर हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं कहा, मैं आ रहा हूँ। चलो काम पर लग जाएं। पहले तैयार हो जाते हैं। मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जल्दी आ जाऊँगा। तुम मेरी मॉम नहीं हो। मुझे चिंता होती है, पर कोई बात नहीं। ये बहुत एक्साइटिंग है, जैसे पहले होता था। है क्या ये वही है? हाँ ठीक है, ये बहुत आसान होगा। लगता है तुम बिजी हो। मुझे कैश दो, मैं फ्री में काम नहीं करता। हे भगवान, तुम्हारी डिश कहाँ है? तुम फेल हो गई। क्या, ये कैसे हो सकता है? मेरी चीज कहाँ चली गई? कितनी शानदार चीज है, लाजवाब। ए प्लस मेरे लिए। हो शुक्रिया, ये गलत बात है, तुम्हारी किस्मत खराब है। जाओ डैड, मुझे कुछ चाहिए। ओ, उसने तो ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, कुछ भूल रही हो? थैंक्स। चलो चले। मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। नहीं, यहाँ भी नहीं है। क्या, मेरी कीज? तुमने वो दोबारा खो दी? चलो देखते हैं। नहीं, आपने इसके नीचे देखा? काउच के नीचे देखते हैं, है कुछ? नहीं। तो फिर कुछ सोचते हैं। मेरे पास तो नहीं है, है ना? अरे नहीं। ओह याइक्स, समझ नहीं आ रहा और कहाँ देखे। एक मिनट रुको, अब ये संभाल कर रखना। मिसी, तुम्हारा दिन अच्छा हो। रुको, मेरी कीज कहाँ पर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे नाइट स्टैंड पर। अरे यार डैड, मुझे अंदर आने दो। ये कहानी तो बहुत दिलचस्प हो रही है। अब क्या होगा, मैं यही रह जाऊंगी। कोई कचरा नहीं फेंकता। एवा, मैं अपनी कीज भूल गई। दोबारा? अरे नहीं, ये सब तुम्हारा है। इससे मुझे एक आइडिया आया। इसके लिए मुझे तुम्हारा पजल पीस चाहिए होगा, पर तुम अपनी कीज नहीं घुमाओगी। इसे अच्छे से कवर कर दे, फिर उसके ऊपर अपने नाम का पहला लेटर बनाए। हो गया, अब ये नहीं खोएंगी। ये लो। हे, इस पर तो ए बना है। थैंक्स डैड। ओह, डैड ने अपने लिए भी एक बनाई। ये साथ में कितने क्यूट लगते हैं। मेरे डैड सबसे अच्छे हैं। ये काम किया। मेरे पैरों का कुछ करना चाहिए। यह सॉक्स है क्या? तुम्हें पैरों के लिए कुछ चाहिए? ये लो। शुक्रिया ट्रैश गर्ल। कुछ साफ मिलेगा? चूहा। तो ये ठीक ही है। इतनी मिट्टी के ऊपर जमी हुई है, मैं इसका क्या करूं? शायद ही काम आ जाए। नेल पॉलिश रिमूवर सारे दाग हटा सकता है। थोड़ा कॉटन राउंड पर लगाएं। आप गंदी जगह को इस तरह साफ करें। करते रहे, बस हो ही गया। देखा, एकदम नई जैसे हो गए। और कितनी प्यारी।
तारा। ये भी साफ कर दोगी? खुद करो। देखा, ये मेरी एपिक साइंस पार्टी के लिए है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तेज तेज बोलना चाहती हूँ। साइंस पार्टी, साइंस पार्टी, साइंस पार्टी। हे, मेरी साइंस पार्टी में आना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल। फ्राइडे को मिलते हैं। मेरे मॉलिक्यूल्स तैयार है। ये आउटफिट अच्छी लग रही है ना? ठीक है, चलो आ जाओ। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो ब्रायन। तो शुरू करें? किसे पता था आर्टिंग्स इतने छोटे होते हैं। हाँ, इतने डायनामिक। हे, क्या हम कर सकते हैं? तो चलो। अगर तुम दो को इधर कैरी करोगे और इसमें सल्फर डालोगे तो ठीक है। मैं जा रही हूँ। दायरे के साथ अच्छे से रहना, समझी? और तुम इस पर नजर रखना। डिनर पर मिलते हैं। टूडल्स। मैं बोर हो गई। डैडी, आप मेरे साथ खेलोगे? मैं इसका क्या करूं? इतना भारी था। मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ? वो मॉम की ड्रेसेस तो देखो, ये वाली मेरी फेवरेट है। अरे वाह, ये देखो मॉम का सारा सामान। ये भगवान, ये तो खजाना है। क्या ये मुझे फिटाएगा? कूल। आखिरकार सब हो गया। एवा, ये तुम क्या कर रही हो? आपको अच्छा लगा? ये सारा सामान मॉम का है। याद रखना, मेरे सामान को हाथ नहीं लगना चाहिए। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं एवा को उसके लिए जूस दे देता हूँ और ये उसे फिट भी आएंगे। रिंग बनाने के लिए एक क्राउन के शेप बनाएंगे। और बाकी की शेप्स भी बनाएंगे। कितना बढ़िया स्टार है। आप अलग अलग रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे हार्ट्स बहुत पसंद आएंगे। इसमें तो रेड कलर ही होना चाहिए। बस हो ही गया। कितना सुंदर है ना? बीच में एक डॉट और इसके साथ रिंग अटैच हो जाएगी। देखो कितनी सारी है। और ये सब तुम्हारी है। कितनी खूबसूरत है ना? थैंक यू डैडी। और आप ये पहन लो। ये हुई ना बात। ये बहुत अजीब है। इसका तो पता नहीं। ओ हाँ, बहुत अजीब है। कैसा गया? उसके बाल देखो कितने प्यारे हैं। और वो भी इतने सारे। मैं ऐसे नहीं जा सकती। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। ये ठीक नहीं हुआ। मेरा मेकअप कहाँ है? चलो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें। वो भी काफी बड़ी। अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स तैयार रखो। हम फाउंडेशन लगाएंगे। अच्छी खासी लेयर होनी चाहिए और थोड़ा शिमर भी। आंखें बंद करो और इसके ऊपर ये ब्रश चलाओ। ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर की बारी। थोड़ा सा पर्पल। इससे काफी लोग इस पर ध्यान देंगे। बस इसे अच्छे से ब्लेंड करें और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी। हम थोड़ा और जल्दी करेंगे। जरा इस स्पार्कल को तो देखो। ये भी लगा लेते हैं। लगाते जाओ। अब मेरी आईज बिल्कुल डिस्को बॉल्स की तरह लग रही हैं। और ये कैसा रहेगा? इसे और अच्छा दिखाने के लिए आईलाइनर लगाएंगे। अब बाकी के चेहरे पर भी। फोरहेड मत भूलना। हाँ, और ब्लेंड करेंगे। हम ये लाइन स्मूथ चाहिए। और चीक्स भी। लिप्स के लिए ग्लॉसी ही होंगे।
और ये है फाइनल लुक। यस यस कमाल है। वो शेरिल ऐसी कब से दिखने लगी? कैसे हो? ओ अजीब है। हे मेरा चेहरा, मेरी किस्मत कितनी बुरी है। क्या ये मेरे लिए है? मुझे लगा इससे तुम्हें खुशी होगी। ओ मैं ही सह सकती हूँ। ओ पहला गेस्ट आ गया। Hey girl, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम भी। Happy birthday. Oh, एक फोन केस? शुक्रिया, पर मेरे पास ये वाला पहले से है, माफ करना, पर मेरे पास कुछ और भी है। ये देखो, मेरे पास दांत है। हाँ बिल्कुल, कुछ और भी होगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ कर दो। रुको, क्या ये 3D पेन है? तो मेरे पास एक आइडिया है। एक फ्लैट सरफेस पर फोन रखें और 3D पेन से इस पर ड्रॉ करना शुरू करें। पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, जैसा चाहे वैसा बनाएं, बस पूरा फोन कवर होना चाहिए, कोई जगह मत छोड़ना। कैमरा लेंस को छोड़कर इस जगह पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अब फोन की साइड्स पर भी ड्रॉ करें। हमारा मतलब एक सेफ और पर्सनलाइज्ड फोन केस बनाने से है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाई हूँ। वाह मुझे पसंद आया, बढ़िया। क्या मैं जा सकती हूँ? ओह एक और गेस्ट। हे हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। तुम्हें भूख लगी है लिली? घर की बनी सुशी, सुंदर लेडी के लिए सुंदर चॉकलेट्स। इसमें कितनी होंगी? हे प्यारे बच्चे, चलो देखें। क्या यहाँ एक और गिफ्ट के लिए थोड़ी जगह है? चलो जाओ अंदर, थोड़ा स्पार्कल लगाना बुरा नहीं। मुझे अपने आप से प्यार है। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक इस पीस से मैं जीतूंगी, या शायद ये वाली से। अब सोचना होगा। ये गेम इतनी मुश्किल क्यों है? मुझे कुछ अलग ट्राई करना होगा। लगता है मिल गया। हालेलुया, अब तुम्हारी बारी। जब आपका कंपटीशन आप ही हो तो आपको दोनों तरफ से खेलना पड़ता है। बहुत अच्छा किया तुमने। अब ये झेलो, मैं आ रही हूँ। माफ करना, मुझे अपना लॉकर खोलना है। अजीब है, वो यही खड़ी होके पड़ रही है। ओह नहीं, बेल बज गई। हे मेरी स्कर्ट लॉकर में फंस गई। ओह ये बहुत बुरी तरह फंस गई है, मुझे तेज से खींचना होगा। इसने तो मुझे ही खींच दिया। नहीं मुझे दोबारा होना ही करना। ओह इसमें छेद हो गया। एक सेकंड, हाँ मेरा 3D पेन। शुक्र है मैं ये स्कूल ले आई। मैं इस छेद के आसपास एक प्यारा सा डिजाइन बनाऊंगी। अब उसे फिल करेंगे। ध्यान रहे ये पूरा कवर हो जाए। अब एक और कलर, ताकि ये हिस्सा भी कवर हो जाए। हो गया, अब ये छिप गया। अब एक्स्ट्रा डिटेल्स, मैं पहले कान भरूंगी और अब आंखें, नाक और मुंह भी कैसे भूल सकते हैं। ओह ये बॉक्स कितना प्यारा लग रहा है। अब ये होल छिप गया और मेरी स्कर्ट अब ज्यादा प्यारी लग रही है। वाह इन मार्शमेलोज़ को तो देखो। एक मुझे बस यही मिला, मैं इसका क्या करूंगी, लूजर।
ये बहुत अच्छा होगा। मैं वॉफल आयरन पर मार्शमेलोज रख देती हूँ। अब इसे बंद करेंगे और स्विच ऑन कर देंगे और अब हम इंतजार करेंगे। ओ, बुरा हुआ, बहुत हुआ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मुझे बस ये माइक्रोवेव चाहिए। मुझे कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मैं इस मार्शमेलो को माइक्रोवेव में रखूंगी और फिर देखो क्या होता है। ने ने। तुम्हें कोई खुशबू आई? ओ नहीं, बहुत बुरा हुआ। कितनी गड़बड़ हो गई। ओ, ये तो गलत बात है। ओ, ये तैयार है। वो ये तो बढ़ गया, कितना बड़ा है, जरा इसे देखो। वाह, शानदार। पर मैंने तो अपने मार्शमेलोज जला दिए। तो तुम फेल हो चुकी हो, तुम जानते हो ना? माफ कर दो। और ये तो कमाल है, जाइगेंटिक। बहुत अच्छा काम किया। ओ वाह, शुक्रिया, बहुत अच्छे। ठीक है, मैं अपना की कोड डालती हूँ और बिल्कुल मेरा थंबप्रिंट भी। आखिरकार आई स्कैन से यह अनलॉक हो जाएगा और अब मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखते हैं मुझे यहाँ क्या चाहिए। हाँ, मेरा मेकअप बैग और थोड़ा कैश, मेरे गोल्ड बार्स और गोल्ड सेल फोन भी, थोड़ा परफ्यूम भी लगा लेती हूँ। हे मेरे भगवान, मेरा वहाँ तो देखो। वाह, ये कुछ ज्यादा ही है। वो सोचती है कि वो हमसे अच्छी है। जो भी है। अरे नहीं, मेरी लॉकर की कहाँ है? ये नहीं, मेरा लकी रूलर मिल गया। बैट, निकलो यहाँ से। बढ़िया, वो गर्ल। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? हे भगवान, ये लॉकर में तो सब गड़बड़ है, मुझे शर्म आ रही है। देखते हैं, ये तो कचरा है। ओह, एक गम का पीस, ये अभी भी अच्छा है। ठीक है, मैं अपनी अगली क्लास में चलती हूँ। मुझे बीमार होना पसंद नहीं है। मेरा प्यारा बच्चो, तुम तो तप रहे हो। ये ठीक नहीं है, हमें तुम्हें ठीक करना होगा। नर्स मॉमी की बारी है। ये क्या है? मैं मजाक कर रही थी, मुझे ये चाहिए। ये भी मजाक था, हमें ये चाहिए। पर मुझे ये पसंद नहीं है, ये गंदा है। पर तुम्हें ठीक भी तो होना है, अपना मुंह खोलो। नहीं। मॉम, मुझे नहीं चाहिए। देखो मॉमी। मुझे सोडा चाहिए। मैं जानती हूँ उसे दवाई कैसे खिलानी है। एक खाली कोक का कैन ले और बीच से इसे खोल दे। अब कफ सिरप इसके अंदर डालें। अब कैन को वापस बंद कर दे। अब इसके अंदर एक स्ट्रॉ डालें। मैं तुम्हारे लिए सोडा लाई हूँ बच्चे, ये लो पी जाओ। थैंक्स मॉम, गुड बॉय। स्वाद कुछ अलग है पर मुझे पसंद है। वैम, वैम। इस कमरे में कितनी गड़बड़ है। हाय मॉमी, मुझे पता है, मुझे बाहर जाना है, पर जब तक मैं वापस आऊँ ये कमरा साफ होना चाहिए। पर ठीक है। ना ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर है। ओ नहीं, मॉम वापस आ गई, मुझे कुछ करना होगा और जल्दी। ये वैक्यूम काम आएगा। 100, ये काम आएगी। मैं वैक्यूम होस के ऊपर सॉक लगा देता हूँ और सारे लेगो पीसेस इसी में खींच लेता हूँ। ये जल्दी से उठाए जाएंगे और घूमेंगे भी नहीं। अब मुझे बस सबको निकालना है। वाह, कितने सारे हैं, मुझे इसे छिपाना होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, ये सब। हाँ, तुम्हें ट्रीट मिलनी चाहिए। थैंक्स। काश मेरे पास तैयार होने के लिए कुछ होता। जो भी है। वाह, ये लाइटिंग बहुत अच्छी है। ये लाइटिंग लाजवाब है, लंबी खींची जाएगी। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बकवास फ्राइडे नाइट। जो भी है, मेरे दोस्त मुझे पसंद क्यों नहीं करते।
रुको, अब चीजें अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह ये पार्टी टाइम है बेबी। देखा, सब मेरे साथ पार्टी करना चाहते हैं। मुझे फ्राइडे नाइट बहुत पसंद है। सच में क्या लोगों के पास कोई और काम नहीं है? मैं लूजर नहीं हूँ और यहाँ तक कि मैं एक जीनियस हूँ। ये सब मैंने खुद सॉल्व किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैंने कुछ बड़ा किया है। जब आपके पास दिमाग है तो दोस्त क्यों चाहिए? लगता है मेरा दांत निकल आया। चलो इसे ले जाओ टूथ फेरी, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं। बकवास, हटो यहाँ से। हाँ, हे भगवान। ओह नहीं, मुझे इसे बचाना होगा। शायद ये छड़ी खराब हो गई है। बिल्कुल बोल रही है। आपने अपनी फेवरेट डिश तोड़ ली है तो कोई बात नहीं, 3D पेन से ठीक कर देगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर काम बन जाएगा। बॉर्डर बन गए हैं, अब इसमें लाइंस बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह हमने लगभग आधा कर लिया है दोस्तों। अब दूसरी डायरेक्शन में भी यही करें। ये इस तरह का दिखना चाहिए। बढ़िया है ना, उसे पुराने वाली डिश की याद भी नहीं आएगी। तो चलो। मैं तो भूल ही गई थी, मैं यहाँ इसीलिए तो आई थी। मुझे यहाँ पर दांत की खुशबू आ रही है। बिंगो, इसकी जगह पर एक पेनी रखनी चाहिए। तुम्हारे साथ काम करकर अच्छा लगा। सच में? कितनी गहरी नींद आए। मैं कुछ अच्छा सुन लेता हूँ। हेलो, हे, मुझे सॉन्ग पसंद है, इससे मुझे डांस करने का मन करता है। पहन लिया। वुहू, मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शूज प्लीज। ओह हाँ, मेरे वॉक पर ध्यान मत देना, मुझे ऐसे करने में मजा आता है। आह, क्या खुशबू है। नेचर बेबी। हे, ये लियाम है, कैसे हो? एवा, हाय। रुको, नहीं लियाम, मत जाओ। वो मुझे क्यों बुला रही है? लियाम, रुको, वहाँ बनाना है। उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है ना? ओह नहीं, वो। सब ठीक है, मेरी मूव्स को कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन अरे यार, मेरे हेडफोन्स। मेरा अच्छा समय खत्म हुआ, अब मैं किससे सुनूंगा? इसके मुकाबले इसका बेस तो बिल्कुल खराब है। लेकिन मैं इसे खुद भी बना सकता हूँ, मुझे बस एक 3D पेन की जरूरत है। अब इसे फिल करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे, पेंसिल से साथ में जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इन तीनों पार्ट्स को साथ में जोड़ दें। इसे यहाँ पर चिपकाएं। टाडा! लो, ये बिल्कुल सिक्योर है। लियाम, तुम ठीक तो हो? ओह हाँ, जरा ये देखो, अब मैं दोबारा गाने सुन सकता हूँ। फिर मिलते हैं। भगवान, जेल तो बहुत बोरिंग है, मुझे भूख लग रही है, इसमें कोई शक नहीं। हेलो शेफ, मुझे यहाँ खाना चाहिए। जी मिस, ये लीजिए आपका गोल्डन बर्गर, जैसा आपने मंगवाया। बढ़िया। हाँ, ये एकदम स्वादिष्ट है। आपकी गॉरमेट मील, ये लीजिए मिस, मजे कीजिए। अरे हाँ, बर्गर खाया जाए।
मुझे इस मील के लिए अपनी गोल्डन डाइनिंग ग्लव्स चाहिए और ये मेरे मनपसंद ग्लव्स भी हैं। तो चलो, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे बर्गर्स पसंद है। एक सेकंड रुको, ये क्या है? एक गोल्ड कॉइन। शेफ, ये क्या है? ओ, लगता है ये बर्गर पैटी में रह गया। गुस्सा मत होना। कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है। खाना जारी रखते हैं। आपको ये अच्छा लगा? मैं खुश हूँ मिस। आखिरकार बर्तन साफ हुए। ओ नहीं, एक और मग। इसे भी साफ कर दो प्लीज। हाँ ठीक है, मग इतना गंदा कैसे हो जाता है? ये क्या, मेरा हाथ? ओह नहीं, क्या ये टूट गया? वो शुक्रिया बच गया। नहीं, उनका फेवरेट मग टूट गया, वो मुझे मार डालेंगी। रुको, शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मुझे ग्लू भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरा 3D पेन है। मैं क्रैक को कवर करूँगी। ये कलर एक ही है तो ये नजर भी नहीं आएगा। और मैं इसे पूरे हैंडल पर करूँगी, एकदम कोने पर। इसे ज्यादा चाहिए भी नहीं। हो गया, एक तरफ से हो गया। अब दूसरी तरफ मैं यहाँ भी ऐसे ही करूँगी। ये साइड भी हो गए, पूरा हुआ। अब ऊपर और नीचे से भी कर देते हैं। हैंडल एक मग का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो इसे अच्छे से सिक्योर करना जरूरी है। हो गया, और हैंडल जुड़ भी गया। ओह, ये लो तुम्हारे लिए जूस। हाँ, लगता है तुमने हैंडल को टेक्सचर दिया है। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। खैर, इसे अब पकड़ना आसान है। जूस के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, ये काम किया। लगता है यही सही घर है। पक्का मेरी डिलीवरी होगी। ये रही आपकी डिलीवरी मिस। हाँ, मुझे पैकेजेस लेना बहुत पसंद है। और ये वाला तो ऑस्ट्रेलिया से आया है। बस मैं इसे खोल लूं। चलो भिट्टे, खुल भी जाओ। ये किसी काम का नहीं है। ओह बिल्कुल, मैं कैंची का इस्तेमाल करूंगी। हाँ चलो, इससे टेप कट रही है। आखिरकार मैं ये बॉक्स खोल सकती हूँ। ओह नहीं, मैंने तो अपना कोट भी काट लिया और ये पूरा खराब हो गया। कितनी बड़ी गलती है। तो शायद मैं इसका कुछ कर पाऊँ। हाँ, इसे पहन कर देखते हैं कि हुआ क्या है। अब हमें कैंची चाहिए होगी। जहाँ से ये कटा हुआ है, हम इसे वहीं से काटेंगे। लो, मैंने इसे पूरा काट दिया। अब मैं नीचे के हिस्से को स्कर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ पर बटन लग जाएंगे। तो चलो, अब मेरे पास एक छोटी जैकेट और स्कर्ट है। वाह, कितना शानदार लग रहा है। मुझे एक फोटो लेनी चाहिए। इन सेल्फीज पर बहुत सारे लाइक्स आएंगे। हाँ, मैं ये फोटो भेजूंगी भी। ओह, काश उसे पसंद आए। उसे पसंद आए, उसे बहुत कूल लगी। हाँ,